कहानी में आ जाए बोरियत और आपको चाहिए हो चेंज, तो भला पार्टी से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। वैसे जी टीवी के सीरियल मायका में वीर की मौत के बाद खुराना परिवार में भी उदासी का माहौल छा गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर चल रही है एक पार्टी की तैयारी। चलिए अच्छा है, पार्टी के बहाने ही सही परिवार वालों को चेंज मिल जाएगा, दर्शकों की बोरियत दूर हो जाएगी और हाँ, कहानी में आ जाएगा एक नया ट्विस्ट। मायके में हो रही है धूमधाम से पार्टी, अरे भाई किस खुशी में। सीरियल की दुनिया में पार्टी के लिए खुशियों का इंतजार थोड़े ही होता है, यहाँ तो कभी भी पार्टी होती है। वीर की मौत के बाद खुराना परिवार काफी बोर हो रहा था, तो सोचा कि शब के दोस्त की सगाई के बहाने ही सही थोड़ा जश्न वश्न हो जाए। आज मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की शुरुआत है। आज मेरे प्यारे सबसे अच्छे दोस्त से सच धज कर पूरा खुराना परिवार पहुंच गया है अंगद और काम्या की इस खुशी में शामिल होने के लिए, जहां साजिशों के साथ मस्ती के पकवान भी परोसे जाएंगे। मेरी ननद की सगाई है, ऑफ कोर्स मैं उससे खुश नहीं हूं और इसीलिए थोड़ा मुंह फुला कर पार्टी में घूम रही हूं। बट काफी दिन नहीं हुए, एक दो महीना ही हुआ अभी लास्ट पार्टियों के। हम रेगुलरली पार्टी करते रहते दिन दिन तक, कुछ भी पता नहीं है, इट्स गोना बी अ ह्यूज शॉक। सुना आपने, इस पार्टी में भी माही को खुश रहने का हक नहीं। सीरियल वालों ने उसके पीछे अंगद को तो छोड़ दिया है, जो ये सगाई भी माही के करीब रहने के लिए कर रहा है। बेचारी माही, हर सीरियल में उनका अंगद से पाला पड़ जाता है, फिर चाहे कैसा ये प्यार है हो या फिर मायका। पहले तो जब इंद्रनील आए थे शो पर अंगद बनकर, तो थोड़े दिन तो मैं वापस कैसा ये प्यार है मैं पहुंच गई थी, बिकॉज अलग लगता था, यू नो, अचानक वही नाम एंड। बट दोनों जब तक परेशान नहीं करेंगे तब तक लोग, अचानक वही नाम एंड। बट दोनों जब तक परेशान नहीं करेंगे तब तक लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इस सब से बेखबर माही के पति शब तो सेट पर ऐसी हड़बड़ी में दिखे कि जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा वो सेट से गायब ही हो गए। अब भाई गए होंगे अपनी असली बीवी के पास, उनकी हाल ही में शादी जो हुई है। कोई बात नहीं शब, माही आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रही, वो तो बिना टेंशन के यहाँ अंगद से बतिया रही है और साथ ही साथ अपनी असली एंगेजमेंट रिंग भी उन्हें दिखला रही है, शायद सावधानी के तौर पर भी कि अंगद मुझसे दूर रहो। खैर बाद में हमने भी बड़ी ही उत्सुकता से नेहा से इस एंगेजमेंट रिंग के बारे में पूछा। रहती हूँ तो आई डोंट थिंक कंटिन्यूटी प्रॉब्लम होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इट्स माय फर्स्ट एंड लास्ट वेडिंग रिंग, तो इट्स वेरी स्पेशल टू मी। इधर माही अंगद से पीछा छुड़ा रही थी और उधर माही की बहन सोनी जीत के साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही थी। नहीं समझे, अरे भाई वीर इस पार्टी में गाना जो गाने वाला है जो कभी वो और सोनी गाया करते थे। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है, सबसे नजरें चुरा कर वो चोरी चोरी जीत से नजरें मिला रही है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। मुझे वही गाना सुनना पड़ेगा पहले उनका, लेकिन मस्त भी अच्छा गाया होगा। चलिए पार्टी के बहाने ही सही दो दो काम भी हो गए, सीरियल के किरदारों का मनोरंजन भी हो गया और साथ ही दर्शकों का भी, जो वीर की मौत के बाद सीरियल में खुशियां देखना चाहते थे। लेकिन दर्शकों के मनोरंजन के लिए मेहनत बहुत लगती है, ये हमें सेट पर आकर पता चला, जहां इस पार्टी को सजाने के लिए करीब 3 घंटे लगे। शुक्र है यहां नाच गाना नहीं हुआ, वरना घंटों का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता। निशिमा जेटली, स्टार न्यूज़, मुंबई।